कासगंज सौरव कोतवाली क्षेत्र में बीती देर रात अज्ञात लोगों द्वारा कॉलेज प्रबंधक की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने कॉलेज के चौकीदार को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि जनपद एटा के मोहल्ला शिवपुरी के रहने वाले सुधीर सक्सेना का जनपद कासगंज सौरव कोतवाली क्षेत्र स्थित मल्ला नगर में एक इंटर कॉलेज है। परिजनों के अनुसार सुधीर अधिकतर अपने कॉलेज के रूप में ही रहते थे। बीती रात जब सुधीर सक्सेना का फोन नहीं उठा तो परिजनों ने कॉलेज के एक अध्यापक को उन्हें देखने के लिए भेजा। परिजनों की माने तो जब टीचर कॉलेज पहुंचा तो सुधीर का शव कमरे में चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था और चौकीदार कमरे के बाहर बैठा हुआ था। वहीं परिजनों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी कासगंज में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी की। वहीं एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली कि नगरिया के मल्ला नगर स्थित एक एस इंटर कॉलेज में उनके प्रबंधक का शव खून से लथपथ पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची और शव को पंचायत नगर के लिए भेज दिया। एसपी ने बताया कि कॉलेज के चौकीदार को हिरासत में ले लिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज से फहीम अख्तर। ये हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? ये कि थाना क्षेत्र सोरो में एकेएस इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक है सुधीर सक्सेना, उनकी डेड बॉडी एक रूम में प्राप्त होने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पे फील्ड यूनिट पुलिस के अधिकारियों द्वारा यहाँ पे जो है वो मुआयना किया गया। साथ ही में एसओजी के नगर टीम के प्रभारी भी यहाँ पे हैं। इसमें एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में लिया गया है जो इन्हीं का चौकीदार है। इसमें घटना किस प्रकार से हुई है, क्या है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, सारी चीजों के बारे में जानकारी की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भर के डेड बॉडी को भेजा जाएगा। मुकदमा इसमें उचित धाराओं में पंजीकृत करके अन्य जो है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौन व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, जो कौन सा स्कूल है? अभी बहुत जल्दी है इस चीजों को बताने के लिए। अभी चौकीदार को हिरासत में लिया है, पूछताछ उससे की जाएगी। कौन व्यक्ति है इसमें, क्या कारण रहा, ये पूछताछ से हम लोगों को काफी सारी चीजों के बारे में। हत्या किसकी हुई है, कौन स्कूल का मालिक है, कौन है? सुधीर सक्सेना नाम के एक व्यक्ति की जो है वो हत्या हुई है, जो कि स्कूल का प्रबंधक है एकेएस इंटर कॉलेज का। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सक्सेना। जितेंद्र, आपके भाई की जो हत्या हुई, कैसे क्या हो गया है? कल हमको सूचना मिली थी, क्योंकि हम बार बार फोन कर रहे थे उनके भाई के मोबाइल पे, तो फोन रिसीव नहीं हो रहा था। अब हमने अपने स्टाफ को, वहाँ एक अध्यापक हैं रमेश चंद्र, उनको भेजा वहाँ पर, तो उनसे पता करवाया कि वो कहाँ हैं, देखो जाके। तब उन्होंने चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ऊपर कमरे के पास ही लेटा हुआ था। हाँ, उन्होंने उससे चाबी मांगी, मैंने कहा कमरा खोल के देखो। उसने चाबी मांग के उसने कमरा खुलवाया, तब देखा तो डेड बॉडी हमारे भाई की वहाँ पर मिली। क्या भाई गांव में स्कूल में ही रहते थे? हाँ, ज्यादातर भाई स्कूल में ही रहते थे। तो आपको शक किस पे है? शक हमारे वहाँ के चपरासी पीरी सिंह पे है, उसके परिवार पर है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी कोई अरेस्ट कर लिया है उसको, चौकीदार को, अभी कार्रवाई चल रही है।